क्योंकि जयपुर से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि राजस्व सूचना निदेशालय यानी कि DRI अधिकारियों की मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। विदेशी सोना तस्करी कथित मास्टरमाइंड पकड़ा गया है और करीब 120 करोड़ रुपए मूल्य के 200 किलो सोने की तस्करी की लिप्तता बताई जा रही है। आरोप लगाए गए हैं सीकर निवासी रवि सोनी पुत्र श्याम सुंदर सोनी आरोपी बताया जा रहा है। अरब देशों के अलग अलग एयरपोर्ट से भारत में सोना तस्करी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा DRI अधिकारियों ने आज आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को जेल में भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। मेरे साथ में विमल कोठारी जी लगातार बने हुए हैं। विमल जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ये जो DRI का मामला है, DRI के मामले में जो विदेशी सोने की तस्करी का जो कथित रूप से जो मास्टरमाइंड है मिस्टर रवि सोनी, इसको DRI अधिकारियों ने आखिर धर दबोचा है। DRI अधिकारी काफी समय से इसकी तलाश कर रहे थे और अब ये DRI अधिकारियों के हाथ में है। DRI अधिकारियों ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में इसको आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया। अदालत में इसको पेश होने के बाद में अदालत ने इसको 14 दिन की जैसी भेज दिया है। सूचनाएं हैं, ये भी बताया जा रहा है कि इसने 120 करोड़ रुपए मूल्य के आसपास का 200 किलो सोना विदेशों से तस्करी किया था और ये जो तस्करी हुई है ये दुबई, मस्कट और जो सऊदी, इसके अरब देशों के जो विभिन्न एयरपोर्ट हैं, इन एयरपोर्टों से इसने तस्करी करवाई है। इसने ऐसे लोगों को टारगेट किया है जो लोग वहां पे किसी काम से गए हुए थे अथवा वहां पे उस समय से काम कर रहे थे। इन लोगों को मामूली कमीशन का लालच देने के बाद में इनको, इनके साथ में सोना भेजा जाता था और ये सोना कई बार जो कस्टम्स हैं या DRI अधिकारी हैं इन लोगों ने पकड़ा भी था, लेकिन इसका जो मेन आदमी था जिस जो सोने की तस्करी में लिप्त था वो अब DRI अधिकारियों के हाथ लग चुका है। अब जो DRI अधिकारी जांच कर रहे हैं वो ये जांच कर रहे हैं कि ये सोना आखिर वहां से जो अरब देशों से भारत में आता था ये किन लोगों के पास में जाके खपाया जाता था और इस सोने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसके लिए फंडिंग आदि कौन करता था। जी बिल्कुल विमल जी, और जब जांच पड़ताल होगी तो चीजें और भी ज्यादा खुल के सामने आएगी। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।